चलो ठीक है, इसी बात पे हाई फाइव। कैसा रहा फिर आज? आज कूड़ा उठाएंगे ऐसे गवार बदतमीज लगूंगा। कम से कम यार थोड़ी तमीज होनी चाहिए इंसान को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे लोकल शिमला में एक ट्रैक है, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं ऊपर ट्रैक करने। तो बहुत ब्यूटीफुल हिल है ये, हिल टॉप से पूरा नीचे का एरिया दिखाई देता है। अभी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ साथ साथ और दिखाता हूँ आपको कितना अमेजिंग है। तो चलो चलते हैं। कुछ अमेजिंग, बहुत अमेजिंग अमेजिंग व्यूज़ आते रहेंगे रास्ते में। ये देखो है ना अमेजिंग। देखो ऐसे ट्रैक्स करने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत अमेजिंग व्यूज़ दिखाई देते हैं। हमें जाना है हिल टॉप पे, इसके ऊपर चढ़ के फिर ऊपर से एक और एरिया है, दूसरे हिल है जिस पर हमें जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली कुछ घंटे, लेकिन हाँ फाइनली पहुंच जाएंगे, अप्रोच कर लेंगे। मुझे ट्रैक करना एक्चुअली अच्छा ही लगता है, मैं मोस्टली बहाने ढूंढता हूँ ट्रैक करने के। तो आपको दिखाता हूँ कुछ अमेजिंग अमेजिंग व्यूज़ और चलते रहते हैं, ठीक है। ऊपर जाते जाते सांस बहुत फूलती है क्योंकि सीधी चढ़ाई होती है और ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, लेकिन व्यू देख के सारी थकावट दूर रहती है। ये देखो नीचे का व्यू, काफी ऊपर आ गए हूँ। वो सामने बिल्कुल सामने पता नहीं दिखाई दे रहा होगा या नहीं, वो जुबरहट्टी एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप है शिमला की। तो ये देखो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड सा ट्रैक है ये, शिमला से कोई 25 किलोमीटर दूर। ये देखो पहले व्यू दिखाऊंगा, मेहनत लगी है व्यू देखो, व्यू ये देखो है ना अमेजिंग व्यू। ट्रैक करना मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए भी है, एक तो ये हेल्थ वाइज अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और दूसरा ट्रैक्स जो होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, जिससे कि ये जगहें थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड टाइप की होती हैं। बट लेकिन मुझे लग नहीं रहा, मुझे लगता है यहाँ पे लोकल लोग आते हैं काफ़ी, क्योंकि काफ़ी गंद मचाया हुआ है पहाड़ों पर। जहाँ भी जाओ गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि ये चीज़ें पहाड़ों को बर्बाद कर देंगी। जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने रहते नहीं फिर ये, हमें थोड़ा कॉन्शियसली देखना सोचना चाहिए। देखो यार, मतलब मैं तो इनफैक्ट जहाँ भी जाता हूँ पहाड़ों में, जितना कूड़ा मुझे नज़र आता है मैं उठा के, क्योंकि मेरा बैग है हमेशा साथ लेके चलता हूँ, इसमें मेरे ड्रोन वगैरह कैमराज गियर वगैरह होते हैं, तो उसी में ढाल लेता हूँ जितना ढाल पाता हूँ। ले जाके नीचे कहीं पर बिन हो तो वहाँ डाल देता हूँ। बस मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कुछ भी हो, कुछ भी, एटलीस्ट पहाड़ों को नेचर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज़ ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पहाड़ों में आओ, इन्जॉय करो, चाहे प्लेन में रहो चाहे कहीं भी रहो, साफ सफाई रखो। घर गंदा नहीं रखना चाहते हम लोग अपना, ये पहाड़ भी हमारा घर ही है। तो प्लीज़ गाइज, हाँ तो पहाड़ों में ट्रैक करना एक्चुअली मुश्किल है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और चढ़ाई सीधी हो तो और दिक्कत है, और मुसीबत हो जाती है जब आपके पास वेट ज़्यादा हो। मेरे पास देखो
कम है वेट, पर देखो वेदांत जी हेलो करो। हेलो, बड़े आराम से आ रही हो, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। तो ट्रैक करने आओ पहाड़ पे तो पिकनिक मत समझो, ये अब बच्चा थका रहा है, खुद चलो बेटा मेहनत करो। ये देखो खुद चढ़ेगी ये, शाबाश चढ़ जा बेटा, चढ़ो चढ़ो बेटा, शाबाश चढ़ो चढ़ो। हाँ चलो 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 ऊपर, इधर 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 इधर, हाँ चलो, हाँ धीरे धीरे। बच्चों को बेकार में टॉयज़ वगैरह से खिलाने से अच्छा है कि ये चीज़ें कराओ बच्चों को, बेटा ऊपर चलो, ये चीज़ें कराओ बच्चों को ताकि कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी हों। ये गाइस हम पहुँच गए हैं टॉप पे, वेदांत जी ये देखो टॉप पे पहुँच गए। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, ये मेस्मराइजिंग ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द टॉप, और ये हम दोनों की अचीवमेंट है। वेदांत जी कैसा लग रहा है आपको ऊपर आके? अच्छा, अच्छा लग रहा है, बहुत ऊपर था ना, है ना? चलो ठीक है, इसी बात पे हाई फाइव। कैसा रहा फिर आज? अच्छा, अच्छा रहा। चलो गाइस थोड़ा मज़ा करते हैं और थोड़े कुछ शॉट्स लेता हूँ ड्रोन के, बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। थोड़ी सांस ले लेता हूँ, पानी पुनी पीता हूँ, उसके बाद चलते हैं। देखो कितनी ऊपर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो नीचे नज़र आ रहा होगा आपको। गाइस तो काफ़ी देर ऊपर बैठा मैं और काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया अभी, क्योंकि यहाँ पे शाम होते होते थोड़ा चीता वगैरह का डर शुरू हो जाता पहाड़ों पे, तो इसीलिए यहाँ से अब निकलना ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं नीचे, नीचे जाते जाते मेरे ख्याल से एक घंटा लग जाएगा, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं नीचे। पहाड़ों पर जब ऊपर आओ तो ऊपर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन नीचे जब जाते हैं तो नीचे जाते हुए कुछ ज़्यादा कॉशियस और केयरफुल रहना होता है, क्योंकि स्लिपरी होता है और स्लिप होके कभी भी बीच में एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान देना होता है। अभी ये देखो चलते हैं नीचे, चलो फिर। अगर आप रेगुलरली, आदत नहीं है आपको पहाड़ों पर ट्रैक्स वगैरह करने की, तो आपको इतना तेज़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए। उतरते उतरते पहाड़ों पर जैसे मैं बोल रहा था, बहुत केयरफुल होकर उतरना चाहिए, एक आधी बार पैर स्लिप हो सकता है आपका। मैं तो काफ़ी बार ट्रैक करता हूँ तो इसीलिए मुझे थोड़ी आदत हो गई है, लेकिन जनरली आपको थोड़ा संभल के आना चाहिए। ये देखो ऊपर वो दिख रहा है जो पूरा जंगल, वहाँ से ऊपर से होते हुए पूरा, अभी इतना नीचे आ गया हूँ। थोड़ा शाम के टाइम पे जंगलों में नहीं जाना चाहिए, उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि शाम को अगर आप लेट जंगलों में जा रहे हो तो जानवर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जंगल है यहाँ पे उन्होंने काफ़ी बार बोला कि जानवर जो हैं बच्चों को उठा के ले जाते हैं, इसीलिए अगर आपके साथ बच्चे हैं और आप ट्रैक कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगेन मैं बार बार एक ही चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि लोग, अगर आपको शराब पीनी है या कुछ भी करना है तो मतलब आप पी के मज़े करके जा रहे हो तो आपको वो बॉटल्स साथ वापस ले जाने में दिक्कत क्या है? और ऐसा भी नहीं है कि अभी डस्टबिन नहीं मिलते। ये देखो, ये देखो, मतलब जिसने भी ये किया होगा उनको थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए कम से कम। ये देखो पी ली, लेकिन हाँ और बस पीना है और कुछ करना नहीं है। अब ठीक है, अब हमारे जैसे लोग ही हैं जो इनका कूड़ा उठाएंगे, ऐसे गवार बदतमीज लोगों का, कम से कम यार थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए इंसान को। ये सारी चीज़ें तो अब मैं भी उतना ही लेके जा पाऊँगा जितनी मेरी बैग में जगह होगी, मेरे बैग में जगह है नहीं ज़्यादा, तो मैं फ़िलहाल इतना ही डाल पाऊँगा बैग में। तो थोड़ी सी
अब ये बेसिक एटिकेट्स है, हम अपने घर में क्या कूड़ा फेंकते हैं? हम अपने घर में कूड़ा नहीं फेंकते, तो फिर यहाँ पे कैसे फेंकें? तो ये पहले मैं ढाल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं डाला इसको बैग में तो मेरे को पकड़ के चलने में मुश्किल होगा। तो एक मिनट मैं रुकता हूँ, ये चीज़ें बैग में ढालता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे रखता हूँ कैमरा, जगह भी तो नहीं मिल रही। एक मिनट, अब मेरा बैग भी पूरा फुल हो गया है। अब इसमें मैं इससे ज़्यादा सामान तो नहीं भर सकता, खैर तो जितना मैं लेके जा पाया मैंने उठा लिया, अब इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं उठा सकता। तो मेरा यही मेरा कहना है यार, कम से कम एंजॉय करो, कोई मना तो ना कर रहा है कि मत पियो मत करो कुछ भी, पर कूड़ा वगैरह जो आप लेके गंद फैलाते हो, जो जैसी साफ़ जगह पे आते हो वैसे साफ़ छोड़ दो, इतना तो हम कर सकते हैं। एनीवे, असली अनपढ़ और गवार वो नहीं है जिसके पास डिग्री नहीं है, असली अनपढ़ गवार वो है जिसको बेसिक एटिकेट्स तक नहीं है कि कैसे अपने आसपास की जगह साफ़ रखनी है। अपना घर तो हर कोई साफ़ रखना चाहता है, लेकिन कितना सुंदर है, देखो पहाड़ में आपको दिखाता हूँ, ये देखो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो ये देखो, है ना सुंदर, अल्टीमेट लग रहे हैं ना। लेकिन अगर ऐसे ही हम करते रहे तो कितना गंद मचाएंगे हम, ये आप सोच लो। हर जगह जहाँ देख रहा हूँ दुख होता है मुझे, जहाँ देख रहा हूँ वहीं पे गंदगी है, जहाँ देख रहा हूँ वहीं पे गंदगी है। हम जैसे कुछ लोगों को ये करना होगा कि गंद फैलाने वाले अगर नहीं सुधरते तो हम साफ़ करने वाले बढ़ जाते हैं। जहाँ हम जाएँ पहाड़ों में, वहाँ से जितना उठा के ला पाएँ ले आएँ और बिन वगैरह में डाल दें, यही बढ़िया रहेगा। तो ऑलमोस्ट नीचे पहुँचने वाले, ट्रैक करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फील हुआ। काफ़ी दिनों से एक्सरसाइज वगैरह नहीं की थी, तो आज इन बिटवीन कभी कभी मैं मौके ढूंढता हूँ कि मुझे कहीं ट्रैक करने को मिल जाए, तब ये वाला मिला तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एक्सपीरियंस ट्रैक का। ट्रैक्स पर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना, पानी की बॉटल वगैरह साथ रखो, खाने के लिए हल्का फुल्का कुछ रखो, एनर्जी बार वगैरह रख लो कुछ या चॉकलेट वगैरह, और बस मज़े से ट्रैक करो आराम से और इन्जॉय करो। हो सके तो बच्चों को अवॉइड करो, लेकिन अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हो तो बच्चों को ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है गाइज, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट नीचे पहुँच गया हूँ, यहाँ से रोड नज़र आने लग गया मुझे। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। जय हिंद।